वरुण पाश में बंधे हुए अपने बाबा को, नंद बाबा को छुड़ा करके लेकर के आए। हुआ ये कि एक दिन एकादशी का व्रत था, नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम, एकादशी का व्रत किया, भगवान की पूजा की, रात्रि में जागरण किया, क्योंकि एकादशी में रात्रि में जागरण करना चाहिए। रात्रौ जागरणम चैव तथा च हरि कीर्तनम, एकादशी के व्रत में रात्रि में जागरण और भगवान का कीर्तन, हरि कीर्तन, ये विधि है। रात्रि जागरण किया, ब्रह्म मुहूर्त में रोज यमुना में स्नान करने के लिए नंद बाबा जाते थे। आज समय का ठीक ठीक परिज्ञान नहीं था और रात्रि के 2 बजे ही नंद बाबा यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। अविज्ञायासुरीं बेलां प्रविष्टमुदकं निशि, आसुरी बेला में ही यमुना में स्नान करने के लिए नंद बाबा प्रविष्ट हो गए। उसी समय वरुण के सेवक वहां विचरण कर रहे थे, वरुण के सेवकों ने नंद बाबा को पकड़ लिया और वरुण पाश में बांध कर वरुण लोक लेकर के चले गए। रात्रि में आसुरी वेला में किसी सरोवर में, नदी में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ग्रहण को छोड़कर। अगर रात्रि में ग्रहण लगा है, चंद्र ग्रहण है, और रात्रि के 2 बजे ग्रहण का मोक्ष हो रहा है, तो रात्रि के 2 बजे नदी में, सरोवर में स्नान करने में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सामान्य परिस्थिति में आसुरी वेला में रात्रि में नदी और सरोवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये विधि है। वरुण के सेवकों ने नंद बाबा को वरुण पाश में बांध लिया और वरुण लोक लेकर के चले गए। सवेरा हो गया, नंद बाबा स्नान करके नहीं आए। अब सब ढूंढने लगे, बाबा कहाँ गए? बोले बाबा तो स्नान करने गए थे, चलो ढूंढते हैं। यमुना के तट पर आए, देखा जहां पर नंद बाबा रोज स्नान करते थे वहां घाट पर नंद बाबा के वस्त्र रखे हुए हैं, कमंडल रखा हुआ है, नंद बाबा की लाठी रखी हुई है, नंद बाबा नहीं। सब ने कहा भैया बाबा के वस्त्र यहां है, लाठी है, कमंडल है, बाबा नहीं है, लगता है बाबा डूब गए, बह गए। अब तो सब रोने लगे, दुखी हुए। भगवान श्री कृष्ण को पता चला, भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ जान गए, भगवान सर्वज्ञ हैं। यह सर्वज्ञ सर्वविद परास्य शक्तिर विविध ही वश्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्रुति कहती है भगवान सर्वज्ञ और सर्वविद, उन्हें तो सब कुछ पता। भगवान ने कहा रुदन मत करो, चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं और बाबा को लेकर के आ रहा हूं। और भगवान सीधे वरुण लोक पहुंच गए। ये भगवान की अतिमानुष लीला है। अतिमानुष लीला का मतलब जो मनुष्य के बस की बात नहीं है, कोई मनुष्य धरती का प्राणी स शरीर वरुण लोक चला जाए, ये कहां संभव है। ये भगवान की अतिमानुष लीला है। भगवान सीधे वरुण लोक पहुंचे और भगवान जब वरुण लोक पहुंचे, वरुण देवता ने भगवान को देखा, वरुण देवता पहचान गए, दौड़ करके आकर के भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, नयत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। वरुण देवता ने भगवान की स्तुति की, भगवान को प्रणाम किया और वरुण देवता सब कुछ समझ गए। वरुण देवता ने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज आप मुझे क्षमा कर दो, ये मेरे सेवक बड़े मूर्ख हैं, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, ये जान नहीं पाए और आपके पिता को लेकर के चले आए।
अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्यवेदिना आनीतोयम् तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हति। हे भगवन, ये मेरे सेवक बड़े मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, आपके पिता को पकड़ करके ले आए, मैं क्षमा मांगता हूं, आप हमें क्षमा कर दो। गोविंद नीयतामेश पिता ते पितृवत्सल, आप अपने पिता को ले जाओ। वरुण पास से मुक्त कर दिया वरुण ने, और उपहार इत्यादि भेंट करने लगे। भगवान ने कहा ये सब नहीं चाहिए, हम तो अपने बाबा को लेने आए हैं। और नंद बाबा को लेकर के भगवान वरुण लोक से आ गए। जब वरुण लोक से लेकर के आए नंद बाबा को, तो गोप ग्वाल वालों ने कहा, बाबा कहाँ चले गए थे? भंडारा खाने चले गए थे क्या? नंद बाबा ने कहा, अरे भैया, आज मैंने देखा अपने छोरे का वैभव, हमें तो वरुण के सेवक पकड़ ले गए थे, लेकिन मेरा कन्हैया कृष्ण जब पहुंचा तो वरुण देवता ने मेरे छोरे को जो लंबी दंडोत लगाई महाराज। नंद बाबा की छाती चौड़ी हो गई, मेरे कन्हैया का ये ऐश्वर्य, वरुण देवता मेरे छोरे को साष्टांग प्रणाम करते। अब जब सब वर्णन करके नंद बाबा ने सुनाया तो गोप ग्वाल वालों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। गोप ग्वाल वालों ने कन्हैया को पकड़ा और किनारे ले गए, एकांत में ले जाकर के मनसुखा ने, श्री दामा ने, सब सखाओं ने कहा, कन्हैया आज तुझे सच सच बताना पड़ेगा। तो क्या बताना पड़ेगा? सखाओं ने कहा, कन्हैया आज तुझे बताना पड़ेगा तू किस लोक से आया है, तू कोई दिव्य आत्मा है, किसी दिव्य लोक का प्राणी है, कोई साधारण व्यक्ति वरुण लोक चला जाए, वरुण देवता उसको साष्टांग प्रणाम करें, यह तो संभव नहीं है। तू मेरे बीच में खेलता है, कूदता है, गोप कुल में तूने जन्म लिया है, लेकिन तू साधारण नहीं है, तू किसी दिव्य लोक से आया, आज तुझे बताना पड़ेगा तेरा दिव्य लोक कहां है। प्रॉपर्टी संपत्ति जो भी कह लो, ये सब अनंत, प्रॉपर्टी संपत्ति जो भी कह लो, ये सब अनंत अनंत ब्रह्मांड सब कुछ तो भगवान का ही, तो ये क्या है? बोले भगवान की विभूति। अब इस विभूति का दो भाग है, एक का नाम है त्रिपाद विभूति और एक का नाम है एक पाद विभूति। त्रिपाद विभूति और एक पाद विभूति, इसका मतलब बोले भगवान का जितना वैभव है, जो कुछ है, अनंत अनंत ब्रह्मांड सब कुछ, अनंत अनंत लोक, उसमें जो तीन हिस्सा है, तीन पाद, 75%, उसमें तो भगवान का अपना धाम है। 75% में भगवान का अपना धाम है, और 25% में एक पाद में ब्रह्मलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, वरुणलोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, भू, भूअस्व, मह, जन, तप, सत्य, ये समस्त लोक, अनंत अनंत ब्रह्मांड, ये 25% में, और 75% में भगवान का अपना वैकुंठ है। उसी को गोलोक कहो, उसी को साकेत कहो, जो भी कहो, उसी को वेद भगवान ने कहा त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुषः, तीन पाद में तो पुरुष निवास करता है। पादों से हा भवत पुनः, उसके एक पाद से ये संपूर्ण सृष्टि नीचे जो चल रही है अनंत अनंत, और वहां त्रिपाद विभूति में विराजमान परमात्मा ही सबका मूल है। इसी को भगवान गीता में कहते हैं ऊर्ध्वमूल मधस्साखम अस्वत्थम प्राहुरभ्यम छंदाम से यस्य पर्णानी यस्तम वेद सवेद वित। भगवान अभी बरात आ गई, देखो भाई अपने हिसाब से सब करोगे तो हम कहां तक कथा सुनाएं, हम बताएंगे, अभी बहुत समय है, अभी बहुत समय है। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। सखाओं ने कहा मुझे अपने उस वैकुंठ का दर्शन कराओ। भगवान ने
सीता राम 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 सीता राम राम बाजा बजाते सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम आप सभी कृपया बैठे रहें, व्यवस्था बनाए रखें, कथा चालू है। आपसे निवेदन, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। भगवान ने ब्रजवासियों को जब बताया त्रिपादूर्ध्व दैत्य पुरुष पादो सेहा भवत पुनः, तीन पाद में भगवान का निज धाम, एक पाद में लीला विभूति, इसी को आचार्यों ने दूसरे तरह से भी कहा, भगवान का जो निज धाम है वो त्रिपाद विभूति और ये अनंत अनंत सृष्टि जो है ये लीला विभूति, उभय विभूति। इसीलिए भगवान को विभूति द्वय नायक कहा जाता है, उभय विभूति के भगवान नायक हैं। इसीलिए आपने यहां वृंदावन की भूमि में देखा होगा कि जब भगवान की सवारी निकलती है रंगनाथ भगवान की रंग मंदिर में, कभी देखा होगा, तो रंगनाथ भगवान की जब सवारी निकलती है तो भगवान के ऊपर दो छत्र एक साथ लगाया जाता है, एक छत्र इधर से, दूसरा छत्र उसके ऊपर, एक नीचे, दो छत्र एक साथ भगवान को लगाया जाता है, तब भगवान शोभा यात्रा में निकलते हैं। वो छत्र क्या है? बोले दो छत्र लगाने की आवश्यकता क्या है, एक ही छत्र भगवान पर लगे सीधे सीधे। कहते हैं वो दो छत्र यही प्रतीक है कि भगवान उभय विभूति नायक हैं, दोनों विभूतियों के भगवान स्वामी, इसलिए दो छत्र लगा करके भगवान की शोभा यात्रा होती है। बंधुओं, भगवान ने उन ब्रजवासियों को अपने वैकुंठ का दिव्य दर्शन करा दिया, अपने संकल्प मात्र से एक ही क्षण में वैकुंठ का दर्शन करा के उन ब्रजवासियों को पुनः ब्रज में